नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट दिख रही है आज 26/2/2021 को। निफ्टी लगभग 500 पॉइंट नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। उसमें से बहुत सारे शेयर जो लार्ज कैप शेयर हैं, काफ़ी गिरावट है, 5-5, 6-6% गिरावट है। बट इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। इसमें एक खबर आई है QIP की, तो क्या खबर है उसे जानते हैं। और अब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक प्राइस है 86 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, 4% की गिरावट है। 52-week लो है बैंक ऑफ बड़ौदा का 36 रुपया है और हाई है 99 रुपया 85 पैसा, 100 रुपये से मात्र 15 पैसा कम रह गया। बट ये कि काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया ये, और इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ समय से, तो एक महीने में 16% की बढ़ोतरी हुई है, 3 महीने में लगभग 68-75% की बढ़ोतरी हुई है, 1 साल में 7% की बढ़ोतरी हुई है, 3 साल में, जिनके पास ये 3 साल से पड़ा हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो एक तरह से माइनस में रिटर्न है। तो बहुत सारे लोगों को एक तरह से रिलीफ मिला था जब बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 70 से ऊपर जब ये ट्रेड करने लग गया था। सबसे पहले इसका फंड राइज की बात करते हैं। QIP के द्वारा फंड राइज होगा लगभग 4,500 करोड़, एडिशनल 2,000 करोड़। द इंडिकेटिव इशू प्राइस 81 रुपया 70 पैसा, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये 81 रुपया 70 पैसे में है फंडराइज। तो ये लगभग मान के चलिए आज तो गिरावट ही हो गया, ये 86 रुपये के आसपास आ गया। जब QIP का इशू प्राइस 81 रुपया 70 पैसा है तो मान के चलिए इसका स्टॉक को और गिरावट की संभावना रहेगी, तो थोड़ा सा कॉशियस अभी रहना चाहिए। बट PSUs बैंक अभी भी नीचे की तरफ है दोस्तों। जो तेज़ी प्राइवेट बैंक्स में आई थी वो तेज़ी अभी PSUs बैंक में नहीं आई है। कारण ये है कि इनका ग्रॉस NPAs और नेट NPAs काफ़ी था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। पिछले 2-3 क्वार्टर से तो देखने को मिल रहा है कि एक तरह से कम हो रहा है। तो जिन्होंने एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, SBI के बाद जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, और इवन आप इंडियन बैंक देखिए और केनरा बैंक देखिए, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ है। PNB भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। बट ये है कि बड़ी गिरावट है तो उसमें सारे स्टॉक नीचे की तरफ ही होते हैं दोस्तों। ये बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। तो आगे की बात करते हैं, 86 रुपये तक इसका स्टॉक प्राइस है और ऊपर के लेवल से एक तरह से 99 रुपीज़ तक ये गया है, जब ये काफ़ी लो नीचे के लेवल पर कारोबार कर रहा था 40 से 41-45 रुपये में। तो बताने की कोशिश है, जिनके पास समय है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, और 4-5-6 महीने में देखिए 100 रुपीज़ तक पहुंच गया। बहुत सारे लोगों ने एक तरह से प्रॉफिट भी बुक किया होगा और मार्केट भी एक तरह से ऊपर की तरफ थी। अभी गिरावट है तो 86 रुपये में आया है ये, और इसका जो इशू प्राइस है QIP का लगभग 81 रुपीज़ के आसपास है। तो हो सकता है कि ये 81 रुपीज़ तक आता हुआ दिखे। देखिए जब कभी भी हम लोगों ने ये देखा है कि QIP का रेट अगर नीचे की तरफ होता है, स्टॉक जरूर नीचे की तरफ आता है। आप अभी देखिए कुछ स्टॉक्स इसी तरह से ऊपर के लेवल पे थे, वो लगभग 10-15% उनका डिस्काउंट था, तो वो उससे नीचे की तरफ लुढ़क गए थे, बट अब कुछ समय के बाद वो ऊपर की तरफ है। तो इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा में रह सकता है। अभी अगर टेक्निकल चार्ट के अनुसार हम देखते हैं तो एक तरह से बुलिशनेस बनी हुई है, बट ये मार्केट में जो गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों से, एक तरह से गिरावट आई है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड इस पर बना हुआ है। तो 81 रुपीज़ तक तो आता हुआ दिख रहा है ये, बट ये कि जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा एक तरह से, वो रहेगा दोस्तों लगभग 77-78 के आसपास, जो पिछली बार एक तरह से तेज हुआ था। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेड करते हैं, देखिए 2 कैंडल के द्वारा ऊपर की तरफ गया था, तो यहीं इसी के पास ऐसे इस तरह से हो सकता है इस, और इस तरह से यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और जो अभी सपोर्ट हैं उसके बाद वो रेजिस्टेंस बन जाएंगे ऊपर की तरफ के। और ये जो इसने हाई बनाया 99 रुपीज़, उस समय Q4 का रिजल्ट अगर बेटर आता है, तो जिस तरह से PSUs बैंक में एक तरह से तेज़ी बनी हुई है, तो संभव ये है कि जैसे ही ये 100 रुपीज़ को क्रॉस करेगा आने वाले समय में 103, और उसके बाद फिर एक बड़ी तेज़ी यहाँ से दिख सकती है। तो बट फिलहाल अभी तो 86 रुपये में, तो समय जिनके पास है दोस्तों, डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा रिटर्न देगा। और अपने रिस्क के अनुसार मार्केट में एक तरह से पैसा लगाना चाहिए, स्टॉक में लगाना चाहिए। और जैसे कि PSUs बैंकों को अगर हम देखते हैं तो SBI नंबर वन, दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर उसके अनुसार आप देख सकते हैं। मैं एक नज़र RSI को भी लगा लेते हैं, काफ़ी लोग उसके अनुसार भी ट्रेड करते हैं, तो उसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए एक तरह से ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, देखिए ऊपर के लेवल पे 74-75 के आसपास गया। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार कारोबार करते हैं तो 70 के ऊपर अगर रहता है स्टॉक, थोड़ा सा उसमें फिर जो है गिरावट की संभावना रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रहेगी।
और अभी ये 74 से एक तरह से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट में जिनके पास समय है, वक्त है, डेफिनेटली उनको जो है प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो फंड राइज हो रहा है, 4,500 करोड़ एक तरह से मिलेगा इनको, और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ग्रॉस एनपी नेट एनपीएस कम हो रहे हैं, सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। पीएसयूएस बैंक में एक तरह से तेजी बनी हुई है, सबसे बड़ी बात अच्छी बात ये है, जो एक तरह से ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, 100 से ऊपर के लेवल में फंसे होंगे बहुत सारे लोग, तो उनको होल्ड करना चाहिए। अब इस तरह की गिरावट होती है तो स्टॉक एक तरह से नीचे की तरफ आता, प्लस अगर गिरावट नहीं भी होती तब भी बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर नीचे की तरफ दिखता क्योंकि प्राइस जो है नीचे की तरफ रखा गया। तो दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा का अपडेट था, टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट और टारगेट की बात थी।